बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार करने वाले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। इस बार न सिर्फ उन्होंने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया बल्कि 2019 के लिए कड़ी चुनौती भी दी है। तोगड़िया ने कहा कि अगर एक साल में वादे पूरे नहीं हुए तो 2019 में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के बगावती सुर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इसी परेशानी से पार्टी को बचाने के लिए आरएसएस ने तोगड़िया पर कार्रवाई की तलवार भी लटकाई, लेकिन बावजूद इसके उनके तीखे वार जारी हैं। मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताने वाले तोगड़िया ने इस बार तो सीधा 2019 को लेकर ही पीएम मोदी को चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर हिंदुओं के साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो जनता के बीच बीजेपी सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि नरेंद्र मोदी विहिप के सहयोग से सत्ता में आए थे और आज अपने सारे वादे भूल गए, लेकिन अब समय आ गया है कि उन्हें उनके वादे याद दिलाए जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही विश्व हिंदू परिषद को तोड़ने का काम हो रहा है। 80 साल के कोकचे जी को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, बीजेपी युवाओं को तवज्जो देने की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पीएम मोदी भी आज 70 साल के हो गए हैं, लेकिन शीर्ष पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर जरूर कर दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।